साहो फर्स्ट रिव्यू। बाहुबली के बाद हर किसी को प्रभास की फिल्म साहो का इंतजार है। फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें प्रभास के साथ श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। भारत में फिल्म की रिलीज से पहले यूएई से पहला रिव्यू आ गया है। इस पहले रिव्यू के मुताबिक ये फिल्म पैसा वसूल है। हाल ही में यह फिल्म यूएई सेंसर बोर्ड को दिखाई गई। फिल्म देखने के बाद सेंसर बोर्ड के सदस्य उमर संधू ने ट्विटर पर इस फिल्म का पहला रिव्यू दिया। उन्होंने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए उन्होंने लिखा, साहो पूरी तरह मास एंटरटेनर और एक्शन स्टंट से भरी हुई पावर पैक्ड फिल्म है। इसके डायलॉग्स दमदार हैं। प्रभास इसमें बहुत ही हॉट दिखे हैं और उन्होंने दिल जीत लिया है। श्रद्धा कपूर भी धमाकेदार हैं। उन्होंने प्रभास और श्रद्धा की तारीफ में लिखा है कि ये 2019 की नंबर 1 जोड़ी है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही हॉट है। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा है कि इस फिल्म में जिस तरह का VFX और स्टंट दिखाया गया है वैसा भारतीय सिनेमा में दर्शकों ने अब तक नहीं देखा है। आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रभास और श्रद्धा के अलावा जैकी श्रॉफ, नील नितिन, मुकेश, चंकी पांडे, मंदिरा बेदी और महेश मांजरेकर जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस फिल्म को तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने फिल्ममेकर और राइटर सुजीत रेड्डी ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म करीब 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म को लेकर ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि इस फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिलेगी। रिपोर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म अब तक सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड रखने वाली एवेंजर्स एंडगेम 53 करोड़ और आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 52.25 करोड़ का पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ देगी। साहो हिंदी के अलावा अन्य 3 भाषाओं तमिल, मलयालम और तेलुगु में रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग अबू धाबी, रोमानिया, हैदराबाद और मुंबई में हुई है।